मन करता कौन खराब अंडा मछली मांस शराब दिया फकीरों ने संकेत कब्रिस्तान नहीं है पेट। सार शब्द अंतर बसे पाऊं तेरा भेव सुरत समाए शब्द में परखूं जे गुरुदेव। मन का काम क्या है? मन का काम है दुष्टता करना। जैसे बहुत आदमी भी होते हैं दुष्ट होते हैं, लड़ाते भिड़ाते रहते हैं, लड़ाते भिड़ाते रहते हैं। कैसे लड़ाते हैं बता दें आप? नारद का काम क्या था? लड़ाना भिड़ाना, उनका काम यही था। तो एक यानी गांव में से निकल रहे थे तो लड़कों ने कहा प्रभु आपकी बड़ी महिमा है, आपका बड़ा नाम है, बहुत लोग याद करते हैं आप। प्रभु आप झगड़ा लगाते हो। बोले मैं ऐसे हिला दिया मैं, अब ऐसा कर दिया तो ना हाँ ना ना, क्या ऐसा ऐसे कर दिया ऐसे करे तो ना ना हाँ। तब कहे प्रभु हमारे यानी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते, तो उनमें कभी झगड़ा नहीं हुआ। बाकी झगड़ा होता रहता है, कुछ कुछ होता रहता है, कोई जोर से चिल्लाता है, कोई धीरे से बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है, कोई अंग्रेजी में गाली देता है, झगड़ा होता रहता है। तो प्रभु उनमें झगड़ा नहीं होता है तो झगड़ा करा दो। बोले अच्छा। गए सेठानी के पास, पहुंचे तो सेठानी से कहा कि बैठाया उसने, पानी पत्ता पिलाया। विद्वान भी थे, मदद भी करते थे, ये नहीं झगड़े लगाते थे, वो मदद भी करते, जानकार थे। क्यों? क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी। दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? इन्हीं दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख, वो खुली हुई थी। वो खुल जाती है तो ऊपर की सारी चीजें दिखाई पड़ती, तो उनकी वो खुली हुई थी, तो वो विष्णु लोक में पहुंच जाते थे, समाचार यहाँ का दे देते, वहाँ से ले आते थे। लोगों की कोई दुख हो तकलीफ हो तो उनको बताते थे और वो उसका उपाय बता देते थे कि उसको कह दो ऐसा करे, वैसा करने से लोगों को फायदा हो जाता था। तो लोग इन्हीं को भगवान मानने लगते थे, नारद भगवान कहते थे। आपके अंदर तो भगवान की ताकत है, कुछ अपनी प्रतिष्ठा को इज्जत को बढ़ाए रखने के लिए यही नहीं कहते थे भगवान से पूछ के बताएंगे? कहते थे अच्छा बताएंगे, अब दोबारा बताएंगे, अभी आएंगे तब बताएंगे, चले आना तब बताएंगे। तो लोग समझते थे यही भगवान। नारद भगवान भी उनको लोग कहते थे, लेकिन वो झगड़ा भी लगा देते थे। आदत थी, स्वभाव था, स्वभाव नहीं बदलता है। जैसे अब जैसे कोई वजन न करे, कोई औरत हो कोई वजन न करे तो समझो कि कर्म खराब हो गए, किसमें जाना पड़ेगा? किसमें? ये जो कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा है उनमें बंद होना पड़ जाता है। आप ये समझो कि गुरु भक्ति नहीं किया, गुरु के आदेश का पालन नहीं किया और मनमुखता आ गई, मन के हिसाब से काम किया तो उन योनियों में जाना पड़ जाएगा। कबीर साहब ने कहा, कबीर गुरु के भक्त बिन नारी कुकरी होए, गली गली भूकत फिरे, टूक न डारे कोई। ऐसा स्वभाव हो जाता है। अब वो स्वभाव छूटता है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सुंदर सुडोल शरीर पा गया,
आ गई। बहुत अच्छे घर में जन्म लिया, बहुत अच्छे घर में शादी ब्याह हो गया, लेकिन अब वो स्वभाव बना हुआ है, सब रात को सबको खाना खिला करके और खुद भी खा करके और स्कूटर से धीरे से निकल जाती है 3 किलोमीटर पान की दुकान पर, पान करके खा करके घूम टहल करके फिर आती पैर रखता है। जैसे साहब गए दफ्तर चले गए, दुकान पर चले गए, सटक लिया पड़ते इस घर उस घर उस घर उधर उधर घूमती रहती है, तो स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। कबीर गुरु के भक्त बिन राजा गधा हो, माटी लादे कुम्हार का घास न डाले कोई, वो तो लादी लादी नहीं पड़ेगी, किसकी लादी, लोगों की, एक घर की। कितने घर का कपड़ा गधा लाद करके ले जाता है, धोबी का गधा जो होता है वहाँ का घाट पर। अब राजा अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया या यही समझ बैठा कि हमको केवल प्रजा को देखने के लिए ही, पालन करने के लिए ही, इस राज्य को संभालने के लिए ही पैदा किया गया है, आत्मा के कल्याण के बारे में अगर राजा नहीं सोचा तो समझो कि जो प्रजा का बोझा रहा, प्रजा का खाया हुआ जो कमाई का जो अन्न खाता रहा, वो बोझा जो आया वो गधा बन करके उनका धोएगा। किसका धोता है, एक आदमी का धोबी कपड़ा धोता है, कितनों का धोता है, तो बोझा धोबी का गधा बन करके वो ढोना पड़ता है, कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। तो स्वभाव ऐसे ही अरे बन गया, स्वभाव बन जाता है तो थोड़ा देर में छूटता है। तो नारद जी का स्वभाव बन गया था झगड़ा लगाने का। पहुंचे तो सेठानी ने पानी पत्ता पिलाया और फिर कहा कि महाराज भोजन बनाते हैं आपके लिए। नहीं, हम तो बस ऐसे चले आए, थोड़ा सा बताने के लिए तुमको कि तुम्हारा जो सेठ है ये बिल्कुल बेकार आदमी है। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कहते हो महाराज? अरे बिल्कुल बेकार आदमी, ये तो बस पैसे 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 के चक्कर में लगा रहता है, ये इसका दिल और दिमाग एकदम से बिल्कुल बेकार हो गया, खारा हो गया, नमक जैसा हो गया। कहा नहीं नहीं, अरे तेरा कोई ध्यान नहीं रखता है, बस तुझसे तो बस संबंध खाली रोटी टक्का ये रखता है, चला जाता है, बस पैसा कमाने में नहीं लगा रहता है, वही बिजनेस वही व्यापार वही। अरे नहीं नहीं महाराज, इनके जैसा पति सबको मिले, बहुत अच्छे हैं, देवतुल्य हैं। अरे सब कुछ हो लेकिन है तो पिछले जन्म का नमक का व्यापारी, और अगर तुझको विश्वास न हो तो तू देख लेना, जब रात को तू सो जाती है तब तेरा ये रात अनि समझो इसका, तू देख लेना पूरा बदन इसका खारा है, साट के चाहे देख लेना, पूरा बदन नमकीन लगेगा, कहीं भी तू चाटेगी तो नमक से भी खारा लगेगा। इतना कह करके चले गए। अब दिमाग में कोई चीज आदमी क्या जाता है, नई चीज छमानो का यह स्वभाव है, वही सोचता रहता है, वही सोचता रहता है, दिन भर वो सोचती रही। और फिर सोच लिया उसने कि रात को देख लेंगे एक बार, इनकी नारद की बात सत्य होती है कि असत्य होती है। फिर सेठ के पास पहुंचे नारद, बोले सेठ क्या जलवा है आपका, क्या नाम कमाया आपने यहाँ, कितना माल भरा पड़ा हुआ है, जो देखो आपकी तारीफ कर रहा है, और अगर आपकी औरत भी साथ दे ले जाए आपका, अरे तो फिर तो सोने में सुगंध हो जाए, लेकिन वो औरत ही समझो कि नीम के ऊपर करेला चढ़ जाता है, ये काम वो कर देती है। कहे नहीं नहीं, औरत तो लक्ष्मी है, बहुत अच्छी है, जब से घर में आई है तब से ही सब लक्ष्मी की बढ़ोतरी हो रही है, बड़ी सेवा कर। क्या सेवा करती सेठ, माल बना करके खाती है, जब तुम चले जाते हो तुमको तो दो ठो परोठा सेक करके दे देती है और फिर माल खाती है, क्योंकि उसकी तो आदत है ना शट्टूपने की,
क्योंकि एक यानी दुकान पर एक घर पर उसका तो पेट नहीं भरता था, वो तो दुकान दुकान जाती थी, चाटती थी पत्ता। है क्या कह रहे हो महाराज? हाँ हाँ, पिछले जन्म की कुटिया है, और अगर तुमको विश्वास न हो तो रात को जब सोने लगना तो सोने का नाटक करना, देखना चाटती है, रात भर चाटती रहती है तेरा बदन। लगा दिया अब इसने काका निकल गए, और शेठ भी सोचने लगा भाई पास सही है कि गलत है, क्या है सोने के बाद किसी को पता रहता है कहाँ सोए हैं, किसी को खाने के बाद पता रहता है क्या खाए थे। भाई बात तो सही है, खाने पीने और सोने के चक्कर में सब लोग देखो पड़े हुए हैं, और खाने के बाद किसी को नहीं पता रहता है। मिट्टी से भी यानी खराब चीज सुबह जब लेटिन जाओ तो निकलती है, बदबूदार ही निकलता है। भाई सोने के बाद देखो किसी कुछ नहीं पता, तो लो आजमाइश कर लिया जाए, देख लिया जाए। अब खा पी करके लेटे, नकली नकली नाक बुलाए, घोर घोर नाक बुलाए, तो उसने तो सोचा कि अब तो सो गए, और स्पर्श कहा लाओ अब एक बार देखने चाट के, जैसे चाटा तैसे दिया चाटा, दिया चाटा। वो झगड़ा लोनिया कहीं का, कहा कि कुटिया कहीं गए, लोनिया कहीं गए, कुटिया कहीं का, बस वह झगड़ा। लड़के खुश हो गए, लेकिन नारद भी हार गए बच्चियों, ये भी बता दें कुछ कुछ होता रहता है। किसके यहाँ घरों में सास और बहू के झगड़े में कुछ कुछ होता रहता है, मनमुटाव मनमुटाव बना रहता है। तो नारद कहाँ हार गए, यानी एक गांव में यानी समझो कि सास और बहू रहते थे, उनमें भी जो उसी गांव में मतलब था, नज़दीक में था, वहीं पर उसी वो भी रहती थी, तो उनमें झगड़ा नहीं होता था। तो नारद जा रहे थे तो बोले प्रभु सेठ और सेठानी में तो बगल के गांव में आपने झगड़ा करा दिया, हमारे गांव में भी हैं ये, इनको करा दो, आपने तो बड़ी ताकत है, बड़ी महिमा है आपकी। तो खुश हो गए नारद, जो जिसको मान और सम्मान चाहिए होता है, इज्जत जिसको चाहिए होती है, उसकी तारीफ कर दो तो उससे कत्ल करवा लो। ये कहावत है ना कि वो सम्मान के लिए बहुत से लोग इसी में नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, अगर किसी को मार दोगे, किसी को काट दोगे, किसी का शिकार करोगे तो तुम्हारा भी शिकार होगा, तुम भी मारे जाओगे, काटे जाओगे, तुम्हारा भी गला कटेगा। कहाँ कि जब निराश हो जाओ, जब कोई हाथ पैर नहीं चलेगा, जब कोई तुम्हारा बस नहीं चलेगा, जब गुहार लगाने पर कोई तुम्हारे लिए दौड़ेगा नहीं, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा, जब हर तरफ से असहाय हो जाओगे, और साहब के दरबार में एक दिन सबको यानी पेश होना पड़ता है, तो समझो कि वहाँ पर समझो कि जैसे बॉर्डर हो, उस बॉर्डर से निकल करके ही दूसरे देश में जाना होता है, तो बॉर्डर पर एक दिन सबको जब जाना होता है वहाँ पर, तो उसके सजा से बच नहीं सकते हो, ये लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन स्वभाव बन जाता है, आदमी की आदत बन जाती है, तो आदमी उस तरह से करने लग जाता है। तो कहा कि यानी समझो कि उनमें झगड़ा करा, बोले चलो करा देते। तो दिव्य दृष्टि तो खुली ही हुई थी, देखा कि सास नीचे नशैनी पकड़ी हुई है, और बहू नशैनी यानी सीढ़ी के ऊपर चढ़ करके ऊपर से अचार का मटका उतार रही है। तो इन्होंने सोचा मौका अच्छा है, अब गण को भेज दो अपनी, और जाए मटका ढकेल दे तो गिर जाएगा नीचे, और जैसे मटका गिरेगा तैसे ये दोनों लड़ेंगे, सास और बहू, और लड़के थपोड़ी बजाएंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो लड़के तो लगे हुए थे वहीं गांव के, लगे हुए थे दरवाजे बाहर, जैसे झगड़ा हो तैसे जिंदाबाद नारद भगवान, जिंदाबाद नारा लगा दो।
तो जैसे गिरा मटका नीचे, तैसे बहू उतर करके आई, सास का पैर छूने लग गई। बोली, माँ मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं आपको मटका पकड़ा नहीं पाई। और सास उसको उठा के गले से लगाई, बेटी तेरी गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैं मटका पकड़ नहीं पाई। बहू अपनी गलती कह रही है, सास अपनी गलती कह रही है, नारद दरवाजे पर खड़े देख रहे हैं, कह रहे हैं अब कौन सा मंत्र मानूं, अब कौन सा श्लोक पढ़ूं झगड़ा कराने का, अब कौन सा माला जपूं झगड़ा कराने का, जब दोनों छोटे बन गए हैं, दोनों अपनी ही अपनी गलती महसूस कर रहे हैं, तो अब कैसे झगड़ा हो सकता। तो नारद आए दोनों के बीच में, खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, बोले न तुम्हारी गलती है न इनकी गलती है, गलती तो मेरी है कि तुम्हारी जैसे सहनशील सास और बहू, तुम्हारी जैसी सती, तुम्हारी जैसी विचार और अच्छी भावना वाली बहू और सास में मैंने झगड़ा लगवाने की कोशिश किया, झगड़ा लगाने की कोशिश किया, तो गलती तो मेरी। तो वहाँ वो भी नतमस्तक हो गए। तो गुस्सा किसी को आवे, गलती किसी से बने, तो समझो अपनी गलती अगर ले लिया जाए, गुस्से पर उसके पानी डाल दिया जाए, कैसे पानी डाला जाता है, बोलो ही नहीं सुनो ही नहीं, तो कितना भी क्रोधी होगा चुप हो जाएगा कि नहीं। अरे थकेगा तो चुप ही चुप होगा। जब क्रोध आता है गर्मी बढ़ती है, क्रोध क्या होता है, पाप होता है। क्रोध कैसे आता है, खून में उबाल आता है, तो खून जब उबलता है तो कोई भी चीज बढ़ती है, जैसे हवा की ट्यूब बढ़ती है और जब हवा गर्म होती है तो वो ट्यूब फट जाती है, ऐसे गर्मी जब पैदा होती है खून में तब क्रोध आता है। धरती का विधान यह है, जो इंसान पैदा हुआ, आदमी जो पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ वो मरा, और जो पेड़ फला वो झड़ा, और जो आग जली वो बुझी, नियम है यहाँ का। तो गुस्सा तो शांत हो गई, जब गुस्सा आएगा तो हाथ पैर पटकेगा, आँख दिखाएगा, थप्पड़ दिखाएगा, मुक्की दिखाएगा, लेकिन दूसरा जब कुछ बोलेगा ही न सुनेगा न देखेगा क्या कर रहा है, तो अपने आप फटफट फटफट करके और चुप हो जाएगा, बंधन में बन जाएगा। किसके बंधन में, चुप्पी के बंधन में, बर्दाश्त के बंधन में वो बन जाएगा। इसलिए फिर वो अपना कोई भी गतिविधि नहीं दिखा पाएगा, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। अब कहोगे कि भाई ये होगा कैसे, बर्दाश्त तो होगा नहीं, क्योंकि बातें तो तीर की तरह से लगती हैं, आप ये समझो अंदर अंदर सरालती हैं। होता भी ऐसा है, किसी को तीर लग जाए, तलवार लग जाए, तो वो घाव तो ठीक हो जाता है, लेकिन बातों का घाव नहीं भरता है, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन जो कोई कड़क बात किसी को बोल दिया, लगने वाली बात बोल दिया, खराब बात बोल दिया, वो बात कभी कभी दिमाग में याद आने पर आ जाती है, तो वो गांठ तो बन ही जाती है। तो समझो कि तीर की तरह से बातें सालती। अब बातों को सुनो नहीं, और किसी की भी बात हो, चाहे औरत की हो, चाहे आदमी को हो, चाहे सास बहू की हो, पटपटनी की हो, बच्चे की हो, तो उसके लिए कान में लगाओ उंगली, बैठ जाओ ऊपर कपड़ा डाल के भजन के लिए, तो न सुनोगे न देखोगे तो झंझट टल जाएगा। और बाद में जो गुस्सा किया हुआ है उसे पानी पिलाने जब जाओगी बच्ची हो, तब कहेगा नहीं नहीं अभी इच्छा नहीं है, पहले तो गाली दे रहा था, पहले तो यानी मायके तक का सब शजरा बता रहा था, गाली गलौज, कभी किसी ने खानदान में मामा के यहाँ कोई गलती किया होगा तो ऐसा भी बोलता, तेरे मामा ने ऐसा किया, तेरी उन्होंने ऐसा किया, लेकिन फिर नहीं बोलेगा। इसलिए थोड़ा बर्दाश्त करने के लिए यानी समझो भजन पर बैठ जाओगे दोनों काम हो जाए। तो देखो आपको मैं बता रहा था संतों की बात, कि संत कैसे जो है वो लोगों को समझाते हैं, उसके लिए सत्संग सुना करके, हर तरह की बातों को सुना करके, दुनिया की तरफ से उदासीनता ला करके, और अपना घर अपना देखो देश याद कराते हैं, पिता को याद कराते हैं, अपने बराबर इस मनुष्य शरीर के बारे में बताते हैं कि यह नाशवान है, यह हमेशा रहने वाला नहीं है,
इसको अविनाशी नहीं कहा जा सकता है, इस देश को अविनाशी देश नहीं कहा जा सकता है, इस देश के मालिक को अविनाशी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें भी बदलाव आता है। जैसे आपका दिन बीतता है ऐसे देवताओं का भी दिन बीतता है, ऐसे जो देवताओं के निर्माता हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के ये मालिक हैं, इनके जो पिता हैं उनका भी दिन होता है, लेकिन यह उनके जो दिन होते हैं वो बहुत समय के होते हैं, युगों के होते हैं, ये समझो कि युग बदलते हैं, कई युग जब बदल जाते तब उनका दिन होता है, तो वो भी खत्म होने वाले होते हैं। और ऊपर के जो इनके पद पोस्ट होते हैं, जैसे यहाँ के पद पोस्ट हैं, सरपंच का पोस्ट है, आपका प्रधान पोस्ट है, आपका देखो MLA MP मंत्री का पोस्ट है, आपके समझो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पोस्ट है, इसका होता है समय, और समय जैसे खत्म हो जाता है तैसे फिर वो बदलाव कर देते हैं, बदलाव आ जाता है, नियम के अनुसार वो बदल जाते हैं, ऐसे वहाँ भी बदलाव होता रहता है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि यह कुछ भी अनि समझो कि यह स्थिर नहीं है, यह सब खत्म होने वाला है, और ये शरीर भी खत्म हो जाए, याद है किसी को मौत, मौत याद जल्दी नहीं रहती है, मौत को अगर याद कर लिया जाए, रोज आदमी उठे और सुबह यही सोचे कि पता नहीं अब हम रात देख पाएंगे कि नहीं, रात को सोने से पहले यही सोचे कि क्या हम सवेरा देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, यही अगर सोचे तो भाई कहेगा कि फिर हमको चिंता किस बात की है, पता नहीं जब हम ना देख पाएं तो हम क्यों परेशान रहें। कुछ लोग तो सोने से पहले ही कल की फिक्र पे लग जाते हैं कि कल कैसे करेंगे, कल से क्या होगा, नींद नहीं आती है जल्दी, नींद की गोलियां बहुत से लोगों को खानी पड़ जाती हैं, लेकिन कल जब किसी ने देखा नहीं तब कल के लिए क्यों परेशान हो, अच्छी नींद लो, बढ़िया से नींद लो, और फिर प्रार्थना करके सो, भजन करके सो, सुमिरन करके सो, प्रभु से प्रार्थना करो कि कल का दिन हमको दिखा दो, जब तक हमारा काम न पूरा हो जाए तब तक हमारा ये शरीर न छूटे तो हमको कल का दिन दिखाओ। सुबह जब आदमी उठता है तो बस वही टट्टी पेशाब, नहाना धोना, खाना पीना, रोज का काम वही, रोज खाओ, रोज टट्टी करो, रोज खाओ वही, रोज टट्टी करो, बस यही। पिछले जन्म में कितने बच्चे पैदा किए, कितने जो है वो लोगों को नाटी पोता का सुख मिला, और वही काम फिर करने में लगो तो फिर आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, अरे जन्म मरण लेना पड़ेगा कि नहीं, मरना भी पड़ेगा, मरने की भी तकलीफ झेलनी पड़ेगी, जीने की भी तकलीफ, यानी समझो जन्मते वक्त भी तकलीफ होती झेलनी पड़ेगी कि नहीं। तो सुबह इसीलिए याद किया जाता है, सुमिरन किया जाता है, ध्यान किया जाता है, भजन किया जाता है, गुरु से प्रार्थना किया जाता है कि दिन हमारा ठीक से निकल जाए, जब तक हमारा काम न बन जाए तब तक हमारा ये शरीर अनि बरकरार रहे, हाथ पैर आँख कान ये हमारे सही रहें, कि जिससे इस परमार्थी काम में हम लगे रहें, इसीलिए प्रार्थना किया जाता है, कराया जाता है। सुबह शाम का नियम क्यों बनाया, पहले भी बनाया हुआ था नियम, जब जितनी जानकारी जिसको थी लोगों ने बताया था, लोगों ने कहा भाई भगवान ये हैं, किसी ने पेड़ को कहा, किसी ने पत्थर को कहा, किसी ने किसी चीज को कहा, लेकिन यह नियम बना दिया था कि जाओ वहां पर उनका दर्शन करो, उनसे प्रार्थना करो, उनका जो भोग बताए कि ये भोग उनको चढ़ाओ, धूप आरती करो, ये लोग करते थे नहीं करते थे, बताते थे नहीं बताते थे, तो अब भी बहुत से लोग करते हैं। इसी तरह से जिसको जो जानकारी होती है, संत को जो ये जानकारी हुई तो संतों ने ये नियम निकाल दिया गृहस्थ के लिए कि इसको करो। अब ये समझो कि पहले जितना समय लोग देते थे, पहले यानी जितनी नियत लोगों की अच्छी थी, अब नहीं, पहले नियत से बरकत बहुत होती थी, थोड़ा कमाते थे ज्यादा यानी बचत होती थी, ज्यादा लोग खा जाते थे, एक कमाता था 10 खाते थे,
अब 10 कमाता तो भी नहीं पूरा पड़ता है। तो अब इस समय के जो संत आए हमारे गुरु महाराज जैसे, उन्होंने कहा कि भाई तुम ये कई घंटा दो घंटा करो, बाकी सब इसी में लगाओ, नहीं तो दिक्कत आएगी खाने की रहने की, मान प्रतिष्ठा जो तुम्हारा बना रहना चाहिए समाज में उसमें दिक्कत आएगी, तो 22 घंटा उसी में समय दो। अब समझो कि उसी में लगे अगर रह जाओगे तो मन आते समझो उसी में लगा रह जाएगा, रमा रह जाए। और मान लो एक घंटा भी अगर बैठने लग गए तो कम से कम उधर से मन हटेगा। तो इसलिए नियम सत्संगियों को, आप लोगों को ध्यान भजन सुमिरन के लिए बनाना चाहिए, मौत को हमेशा सामने रखना चाहिए, प्रभु को हमेशा सामने रखना चाहिए। देखो जब बच्चा आपके सामने रहता है तब समझो खुश रहता है, बाप के सामने जब रहता है, और बेटा जब बाप के पास रहता है, बाप को देखता रहता है तो कितना खुश रहता है। तो इसी तरह से वो तो देख रहे हैं मेरे बेटा हैं, मेरे बच्चे हैं, क्योंकि उनकी विहंगम दृष्टि है। विहंगम दृष्टि किसको कहते हैं? जिसको दूर की चीज दिखाई पड़ जाती है, जैसे दूरबीन होती है आंख में लगाओ तो दूर की चीज नजदीक दिख जाती है, ऐसे ही वो बहुत पावर की दूरबीन समझ लो कि उनके पास है, कि जिससे वो आपको तो देखते रहते लेकिन आप उनको नहीं देख पाते हो। तो आप ये समझो कि बराबर ये है अनिभाव बनाओ कि हम उनको बराबर देखते रहें। अरे कल्पना तो करो, नहीं देख पाते हो तो इच्छा तो करो देखने की, तब तो वो दिखाई पड़ेंगे। जब कोशिश ही नहीं करोगे तो कहीं समझो कर्म ही नर पावत नहीं, कर्म ही नहीं करोगे तो कैसे वो दिखेंगे। तो देखो सत्संग सुनाते हैं, और सत्संग सुनाने के बाद यानी समझो कि स्वभाव जल्दी जब नहीं छूटता है तब सेवा का विधान बना देते हैं। आप ये समझो कि यह स्वभाव बन गया। किसका स्वभाव बन गया? मन का स्वभाव बन गया। खाओ पियो घूमो ऐश आराम की चीजों को इकट्ठा करो, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ। मन का स्वभाव ये पिछले जन्मों से ही कई जन्मों से बना हुआ है, क्योंकि पिछले जन्मों में भी आप कुछ लोग इसमें ऐसे हो जो यही काम सब करते रहे, तो समझो इसका स्वभाव बन गया। उसके लिए कहा कि जब ये कमजोर पड़ेगा तो कमजोर कैसे पड़ेगा, यह हावी कैसे हो गया? जो इसने कहा वो अपने शरीर से किया, उन अंगों से जहां इसको रस मिला, उन अंगों से आंख से कान से मुंह से जिब्बा नब्बा जिसको कहा गया, उधर जिसको इधर जिसको स्वाद मिला इस मन को, वही काम इस शरीर से कराया। अब जब उन कामों की तरफ से दिमाग हटेगा और यह कमजोर पड़ेगा, इसको रस जब नहीं मिलेगा तब यह सूरज का साथ देगा, तब यह आगे बढ़ेगा। देखो मन है क्या? मन जो शरीर का राजा बन गया वो मन है क्या? यह माया का है अंश, माया ने ही लगा रखा है। माया कहाँ है? माया का स्थान ऊपर में है, माया अलग है, आद्य अलग है। तो माया का स्थान अन्य समझो कि अलग है, ये तो वो है तो वहीं पर, लेकिन वो असर डाले हुए काल कहाँ पर है? काल असर डाले हुए हैं तो वो अपने जिनको कहा गया जहाँ पर यानी वो द्वीप पर अपना बनाए हुए हैं, अपना समझो सहरदल कमल स्थान जिसको कहा गया है तो वहां पर, लेकिन उनका असर किसके ऊपर है? पुरुषों के ऊपर है। माया का असर इनके ऊपर है, लेकिन हर मन में मन और माया का असर है, औरतों में भी मन माया का असर है और पुरुषों में भी मन माया का असर है। और दोनों ये नहीं चाहते हैं कि हमारा देश खाली हो या हमारी व्यवस्था अनिकट हो, एक भी जीव हमारा और प्रभु के पास न जाने पावे, बांध करके जैसे लोग रखते हैं अपनी प्रजा को, अपने यूनियन के लोगों को बांध करके रखते हैं, दफ्तर के कल कारखाने के लोगों को जैसे मैनेजर मालिक बांध कर रखता है कि यह हमारा एक भी आदमी बाहर जाने न पावे। पार्टी के लोग देखो, बड़े बड़े पार्टी के नेता छोटे कार्यकर्ताओं के यहाँ चले जाते हैं और कहते भाई उनसे अगर गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दो, तुम समझो कि एक आदमी को
जाने नहीं देते हैं, ऐसे ही बांध करके पानी डाल दिया है। तो संत क्या करते हैं कि संत जकड़ को ढीला कर देते हैं, जो जकड़ा हुआ जीव है उसको ढीला कराते हैं, मन से ही काम लेते हैं तो उसको कमजोर कर देते हैं। जैसे आजकल की राजनीति में क्या होता है, कोई पार्टी का नेता उभरा आगे बढ़ने के लिए तो उसके साथियों को ही फोड़ करके हनी समझ लो कि उसको कमजोर कर देते हैं, ताकत को कमजोर कर देते हैं। तो अलग पड़े ऐसे मन को ये जो संत होते हैं कहते हैं ये बड़े होशियार होते हैं, किसमें, अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में, अपने काम में, कि तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम, तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें, जन्म मरण से तुमको छुटकारा मिल जाए, इस काम में होशियार होते हैं। तो मन को कमजोर कर देते हैं और मन की ताकत कहाँ से बढ़ती है, यहीं से, जहाँ जीवात्मा बैठी है उसी के पास मन का भी स्थान है। और इसका आकार कैसा है, बनावट कैसा है, इसका बनावट जैसे यानी समझो कड़ाही होती है, जैसे तसला होता है, ऐसा इसका आकार है, फूला हुआ उभरा हुआ। तो ये उभार यानी समझो कि किसके ताकत से है, जीवात्मा के ताकत से ही मन भी चलता है। जितने दसों प्राण हैं ये सब चलते हैं, जितनी ये 72,000 नाड़ियां हैं ये सब इसी से चलती हैं, ये इंगला पिंगला सुषुम्ना ये जो नाड़ियां मुख्य नाड़ियां हैं ये इसी के प्रभाव से काम करती हैं शरीर में। शरीर जीवात्मा के ही ताकत से चलता है और मन भी जीवात्मा के ही ताकत से चलता है। तो मन के ऊपर यानी जीवात्मा की ताकत का असर आता है, तो ये फूला हुआ रहता है। तो इसको खुराक कहाँ से मिलता है, इंद्रियों से, ये जो सुराख हैं इन सुराखों से इसको खुराक मिलता है। तो संत क्या करते हैं, खुराक देना बंद करा देते हैं। तो जैसे कोई बहुत पहलवान हो और उसको खिलाना पिलाना बंद कर दो तो कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, दुबला पतला बिल्कुल मेरे जैसा ही हो जाएगा, दुबला पतला ऐसा ही हो जाएगा। तो समझ लो कि यानी मन कमजोर करने का तरीका क्या होता है, तरीका यही होता है कि ऐसी युक्ति बता देते हैं कि तुम 2 घंटा बैठो, उठो मत, और एक जगह पर ही निशाना लगाओ, इधर ही मन को रोको, उधर मत जाने दो इंद्रियों के घाट की तरफ, इसको मन को मत जाने दो, नीचे से जो ये लगा हुआ है उधर का कोई काम न करो, शरीर से उस काम को न करो जो मन कहता है, जहाँ इसको खुराक मिलता है वो कोई भी काम, खाने पीने घूमने का सोने का ये सब काम तुम कुछ मत करो, तुम उतनी देर बैठो। तो उतनी देर बैठने में जब इसको उतनी देर का खुराक नहीं मिलेगा तो कुछ कमजोरी आएगी कि नहीं आएगी। अरे लगातार जो बच्चा खाता रहता है बहुत मोटा रहता है। हमने देखा कि एक लड़का एक आदमी के घर गए थे सत्संगी के, यहाँ बहुत पहले की बात है, और वो बहुत मोटा तगड़ा तो आया। तो हमने उनसे पूछा कि भाई ये तो बहुत मोटा है, बोले ये दिन भर खाता रहता है, दिन भर खाता रहता है, यहाँ भी आता है तो कुछ ना कुछ रसोई में घुस जाता है और वहाँ भी मांग लेता है, वहाँ भी खाता रहता है, इसका मुँह चलते रहता है। तो तब जो है एक और थे यानी, तो उन्होंने कहा हजम कैसे होता है, हमने कहा हजम तो होता है चलता रहता है, इसलिए हरकत में रहता है, इसकी मशीन जो है वो बड़ी तेज है हजम करने वाली, थोड़ी ही मेहनत में ये हजम हो जाता है, इसलिए ये मोटा होता है, और खाने को न मिले तो दुबला हो जाएगा। तो जब मन को ये खुराक इधर नीचे का नहीं मिलता है तो ये कमजोर हो जाता है, तो कमजोर हो करके वो पिचक जाता है, वो जो उभरा हुआ हिस्सा है, और जब पिचक जाता है तो जैसे कोई ब्रेकर हो रोड के किनारे, तो ब्रेकर में गाड़ी रुक जाती आगे नहीं बढ़ती है, और ब्रेकर न हो तो सट से आगे निकल जाती है। तो जब ब्रेकर खत्म होता है तब ये समझो कि आसानी से जीवात्मा के ऊपर जाने में यानी मदद मिल जाती है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफों को दूर करने
वह प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।